अधिकारी कर्मचारीगण सब लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और दिन रात हम लोग इसे बहुत हर्षोल्लास से मना रहे हैं। 15 अगस्त में कोई विशेष कार्यक्रम? 15 अगस्त पे वही सुबह को हमारा राष्ट्र का ध्वज को सम्मान दिया जाएगा और उसके बाद में शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम और हम लोग इसमें बड़ा भोज करते हैं जिसमें हमारे सभी कर्मचारी अधिकारी सभी लोग एक साथ मिलकर भोज करते हैं और पुनः 15 अगस्त की अच्छी बातों को याद करना उसमें हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं और उसे हर्षोल्लास से मनाते हैं। गाजियाबाद की जनता से कुछ कहना चाहेंगे मैम? गाजियाबाद की जनता के लिए यही मेरा मैसेज है कि हमें अपनी स्वतंत्रता को संजो के रखना है, हमें अपने संविधान को और जो स्वतंत्रता के लिए जो हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया वो हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए, जो हमारे वृद्ध हैं, हमारे दादी बाबा पर बाबा जिन्होंने ये स्वतंत्रता का पाने का कष्ट झेला था वो लोगों को अपने कहानी के थ्रू अपने लोगों को लिप सर्विस से अपने बच्चों को अपने पोतों को बताना चाहिए कि हमने किस प्रकार स्वतंत्रता पाई थी ताकि हमारे बच्चे भी उस स्वतंत्रता का अर्थ समझें जो 100 वर्ष हमने गुलामी के पाए थे उसके बाद जो आज हम स्वतंत्रता की हवा में जी रहे हैं उसका क्या महत्व है और हम किस प्रकार से इस स्वतंत्र हवा में सांस ले रहे हैं। क्योंकि बहुत बार हम लोग अपने अधिकारों की बात करते हैं, हम लोग धरने प्रदर्शन करते हैं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, हम ये नहीं जानते कि हम जिस स्वतंत्र देश में रह रहे हैं उसको हमने कैसे पाया है। तो हमें संविधान में न केवल अधिकार मिले हमें कर्तव्य भी मिले हैं तो हमें अपने संविधान का पालन करना चाहिए, अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, उसके साथ साथ अपने अधिकारों का भी ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद। ये अत्यंत हर्ष और सौभाग्य का विषय है हम सभी भारतवासियों के लिए कि 75वां वार्षिक महोत्सव आज़ादी का हम सब मिलजुल कर अपने देश में पूर्ण हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं और मैं बहुत ही आभारी हूँ अपने माननीय प्रधानमंत्री जी की और माननीय मुख्यमंत्री जी की, उत्तर प्रदेश शासन की, कि हम लोग इतने जोर शोर से 11 अगस्त से 17 अगस्त तक एक 7 दिवस का ये, हालांकि हमने पूरे वर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया है इस वर्ष को 2021-22 को, लेकिन इस सप्ताह को हम और जोर शोर से मना रहे हैं और इसका मुख्य उद्देश्य है हम सभी देशवासियों को एक रस होकर समरस होकर पूर्ण उत्साह से अपने देश के विकास के लिए, अपने देश की उन्नति के लिए, अपने देश की प्रगति के लिए और मीलों मील ऊंचा उठाने के लिए हम सब लोग एक साथ हों, हम लोग अपनी शक्ति को एक करें और उसके साथ हम आगे बढ़ें, उसी के लिए यह लगातार उत्सव मनाया जा रहा है। 11 तारीख को हम लोगों ने हर घर झंडा कार्यक्रम के अंतर्गत हर घर में झंडा लगाया और उसके बाद में हम लोगों ने मैराथन निकाली जिसमें कि हमारे PAC के लोग उन्हें अच्छा स्थान प्राप्त किया। शाम को जन जागरूकता करने के लिए जनता को हमारे जवानों ने, गाजियाबाद पुलिस ने, हमने सभी ने जगह जगह पर रूट मार्च निकाला, सभी लोगों को जन जागरूक किया तिरंगे के साथ में। हमारे बैंड ने जगह जगह पर बाजारों में आज़ादी के देशभक्ति के गीत गाए और उसके बाद लगातार इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज ये वीर रस की संध्या मनाई जा रही है जिसका मुख्य उद्देश्य है छोटे बच्चे जो वर्ष 1947 में नहीं थे उनको भी पता चले कि हमने किस प्रकार से आज़ादी पाई थी और इस आज़ादी का क्या मतलब है, क्या महत्व है। छोटे बच्चों से लेकर बड़े यूथ हम लोग सभी लोग समझें और हम लोग सब एक रस होकर इस पर्व को मनाएं हर्षोल्लास के साथ। यही नहीं, इसके बाद आगे जो कार्यक्रम है उसमें हमने अपने बच्चों को, पेंशनर्स को, अपने जवानों को, सभी को प्रोत्साहित करने के लिए बड़े सम्मान और पुरस्कारों से सम्मानित करा है जिससे कि सबके हृदय में ये एक यादगार संजो जाए कि हमने जो जीवन पाया था उसमें एक 75वां आज़ादी का वर्ष भी आया था, उस वर्ष में हमने इस प्रकार से मनाया था, जब हम वृद्ध होंगे तभी भी हमें ये 75वां वर्ष याद आएगा। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ अपने उत्तर प्रदेश शासन की कि जिनके इनिशिएटिव लेने से, उनकी प्राथमिकता स्वरूप होने से हम लोग इतना अच्छा कार्यक्रम मना रहे हैं। हमारी PAC 47वीं वाहिनी PAC, हमारे सभी अधिकारी कर्मचारीगण सब लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और दिन रात हम लोग इसे बहुत हर्षोल्लास से मना रहे हैं। 15 अगस्त पे वही सुबह को हमारा राष्ट्र का ध्वज
को सम्मान दिया जाएगा और उसके बाद में शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम और हम लोग इसमें बड़ा भोज करते हैं जिसमें हमारे सभी कर्मचारी अधिकारी सभी लोग एक साथ मिलकर भोज करते हैं और पुनः 15 अगस्त की अच्छी बातों को याद करना उसमें हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं और उसे हर्षोल्लास से मनाते हैं। गाजियाबाद की जनता से कुछ कहना चाहेंगे मैम? गाजियाबाद की जनता के लिए यही कार्यक्रम यही मेरा मैसेज है कि हमें अपनी स्वतंत्रता को संजो के रखना है, हमें अपने संविधान को और जो स्वतंत्रता के लिए जो हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया वो हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए, जो हमारे वृद्ध हैं, हमारे दादी बाबा पर बाबा जिन्होंने ये स्वतंत्रता का पाने का कष्ट झेला था वो लोगों को अपने कहानी के थ्रू अपने लोगों को लिप सर्विस से अपने बच्चों को अपने पोतों को बताना चाहिए कि हमने किस प्रकार स्वतंत्रता पाई थी ताकि हमारे बच्चे भी उस स्वतंत्रता का अर्थ समझे जो 100 वर्ष हमने गुलामी के पाए थे उसके बाद जो आज हम स्वतंत्रता की हवा में जी रहे हैं उसका क्या महत्व है और हम किस प्रकार से इस स्वतंत्र हवा में सांस ले रहे हैं। क्योंकि बहुत बार हम लोग अपने अधिकारों की बात करते हैं, हम लोग धरने प्रदर्शन करते हैं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, हम ये नहीं जानते कि हम जिस स्वतंत्र देश में रह रहे हैं उसको हमने कैसे पाया है। तो हमें संविधान में ना केवल अधिकार मिले हमें कर्तव्य भी मिले हैं तो हमें अपने संविधान का पालन करना चाहिए, अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, उसके साथ साथ अपने अधिकारों का भी ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद।